फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के पेपर के लिए जो जीवन परिचय होता है, एक अच्छा गुड क्वालिटी का जीवन परिचय कैसे लिखें जिसकी वजह से बोर्ड परीक्षा में आप टॉप नंबर लेके आ सकें। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि आप जो पढ़ाते हो वो कौन से सिलेबस का है, यानी कौन से बोर्ड का है। फ्रेंड, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, जितने भी एनसीईआरटी सिलेबस हैं उन सब के लिए हमारे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ पर एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है, जिस बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस नहीं चल रहा है उनके लिए हमारी वीडियो उपयोगी नहीं होंगी। यहाँ पर मैं आपको देखिए प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। एक मैं एमपी बोर्ड का यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर जो परीक्षा बोर्ड होता है वो लेकर के आ चुका हूँ, और एक यूपी बोर्ड का जो मास्टरमाइंड होता है वो आप देख सकते हो, वो भी लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पर हिंदी के पेपर में देखिए क्या होता है, ये पहले मैं यूपी बोर्ड का आपको दिखाता हूँ, ये मॉडल पेपर है। इसमें देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर पाँचवा आप देख सकते हो, क्लियर कट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर कवि का यानी साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय देते हुए यानी मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। और ऊपर देखिए कौन से कवि के नाम दिए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर देखिए टोटल ये पाँच नंबर का जीवन परिचय पूछा गया है। और यहीं पर मैं आपको एमपी बोर्ड का पेपर दिखा देता हूँ, ये आपके सामने है, ये एमपी बोर्ड का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। नीचे दो रचनाएं पूछा है, भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान। और ऊपर क्या पूछा, शरद जोशी और रघुवीर सिंह। एमपी बोर्ड में जो जीवन परिचय देगी वो चार नंबर का पूछा गया है, यूपी बोर्ड में जीवन परिचय रहता है वो कितने नंबर का रहता है, पांच नंबर का रहता है। तो देखिए अलग अलग बोर्ड में जो जीवन परिचय के लिए नंबर होते हैं वो अलग अलग निर्धारित रहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ दिखाया, यूपी बोर्ड में पांच नंबर का, एमपी बोर्ड में चार नंबर का जीवन परिचय पूछा गया है। तो एक अच्छा जीवन परिचय कैसे आपको लिखना है जिसकी वजह से आप पूरे नंबर लेकर के आ सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आप मान लीजिए जैसे जयशंकर प्रसाद का मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, ये कोई कवि है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। अभी आपको तो नहीं पता है कि पेपर में क्या आने वाला है, तो आपको इसका क्या क्या याद करते हो, यानी इसका एक तो जीवन परिचय आप याद करते हो, उसके बाद इसका साहित्यिक परिचय याद करते हो, उसके बाद क्या याद करते हो, उसके बाद इसकी रचनाएं याद करते हो, क्या क्या इसने निबंध लिखे थे, इस तरह की रचनाएं जो भी हो वो याद करते हैं। इसके बाद हम याद करते हैं हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में स्थान, ये वाली हेडिंग याद करते हैं। और एक हेडिंग और होती है कलापक्ष और भावपक्ष, इनको भी याद करते हैं। यानी इतना सब कुछ आप याद करते हो तब जाकर के आप एक आपका एक जीवन परिचय वो तैयार होता है। लेकिन यहां पर देखिए बोर्ड परीक्षा में क्या क्या पूछा गया है, यानी यूपी बोर्ड का पेपर आपके सामने है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए, शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड। पेपर में सिर्फ दो ही चीजें पूछी गई हैं, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। लेकिन हमने क्या क्या याद किया था, जीवन परिचय याद किया, साहित्यिक परिचय याद किया, रचनाएं याद की, हिंदी साहित्य में स्थान याद किया, कलापक्ष याद किया, भावपक्ष याद किया। पेपर में सिर्फ दो ही चीज आई, साहित्यिक परिचय और रचनाएं। तो यहां पर छात्र कंफ्यूजन में आ जाते हैं, उन्होंने तो इतना सब कुछ याद कर लिया, तो वो इस सब कुछ को लिख देंगे तो भी आपको पांच नंबर मिलेंगे। लेकिन जो छात्र स्मार्ट है वो सिर्फ ये दो चीजें ही लिख करके पांच नंबर लेकर के आ जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, जो स्मार्ट छात्र है उन्होंने ये दो चीजें लिख करके अपना टाइम बचा लिया, उस टाइम को किसी और क्वेश्चन में यूटिलाइज कर दिया, निबंध लिखने में ज्यादा टाइम लगा दिया, क्योंकि निबंध आपका जितना अच्छा रहेगा उतने ज्यादा नंबर मिलते हैं उसमें। तो इस तरीके से आपको अपने को यूटिलाइज करना है, पेपर में जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखना है। जैसे यहां पर देखिए एमपी बोर्ड के पेपर में भी क्या पूछा गया है, ये आपके सामने पेपर है एमपी बोर्ड का, इसमें दो रचनाएं पूछी, सिर्फ दो रचनाओं के नाम लिख दो, वापच कलापच पूछा और साहित्य में स्थान पूछा, जीवन परिचय इसमें पूछा ही नहीं। तो जीवन परिचय आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा किसी का भी जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है। शब्दों की सीमा का विशेष ध्यान रखना, पेपर में बोला गया है 80 शब्दों में खत्म कीजिए, तो आपको यहां पर 150-200 वर्ड बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। 80 शब्द पूछा है तो सिर्फ एक पेज में ही पूरा खत्म कर दीजिए, पूरे पांच नंबर मिल जाएंगे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप गूगल पर सर्च करते हो physicshindi.com यानी physicshindi.com,
तो ये एक हमने वेबसाइट बना दिया क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। इस वेबसाइट पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड बायो इन 6 की 6 सब्जेक्ट के टोटल कंप्लीट नोट्स बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके बाद हमने कुछ की पॉइंट्स डाले हुए हैं। अगर आपको डेली टेस्ट देना है तो चैप्टर वाइज डेली टेस्ट इस वेबसाइट पर लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे एक बार सर्च करना है physicshindi.com। जैसे ही आप सर्च करोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, मतलब एक ऐसा बार मेनू बार आएगा। इसमें 6 सेक्शन बने रहेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आएगा 12th फिजिक्स, यहाँ पर आएगा 12th केमिस्ट्री, यहाँ पर 12th मैथ, 12th बायो, 12th हिंदी, 12th इंग्लिश, इस तरीके 6 सेक्शन आ जाएंगे। इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें 5 सेक्शन आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएंगे, यानी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट, की पॉइंट्स, और भी एक पॉइंट है मेरे को याद नहीं अभी। तो इस तरीके अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस पर क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इस पर क्लिक करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की, तो वो छात्र बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हालांकि ऐसे छात्रों के लिए हमने एक बुक बना करके तैयार किया है, उस बुक का नाम हमने रखा है क्या, सुपर बुक। ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, ऐसे छात्रों के लिए है, या जिन छात्रों ने अपने अच्छा सिलेबस कवर कर लिया है वो रिवीजन करना चाहते हैं सुपर बुक के माध्यम से, तो वो ये सुपर बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 300 रुपये है। 300 रुपये में ये सुपर बुक आपको व्हाट्सएप पर PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देंगे। इस सुपर बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो 6 की 6 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर के, उनसे हमने क्वेश्चन को निकाल करके एनालिसिस किया है कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो उन सभी क्वेश्चन का समावेश इस सुपर बुक के अंदर किया गया है। ये सुपर बुक आपको 300 रुपये मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, 8978302195। इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप करोगे 300 रुपये सेंड करने का, तो उसका स्क्रीनशॉट इस वाले नंबर पर सेंड कर दोगे तो ये सुपर बुक आपको व्हाट्सएप पर PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दी जाएगी। हालांकि कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर काफ़ी बिजी रहता है, बहुत सारे, ये हमारी टीम इसको मैनेज करती है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ी टाइम लग सकता है रिप्लाई मिलने में, तो 300 रुपये कैसे भी कर सकते हो, फ़ोनपे, गूगल पे, 300 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पूरे साल भर का ये प्राइस है। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक आप हमारे ग्रुप में जुड़े रहोगे, सिर्फ एक बार ही आपसे लिया जा रहा है। वैसे कहीं आप सिर्फ नोट्स ही परचेज करने में 1000 रुपये लगा दोगे, सारे नोट्स हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन ये सुपर बुक एक स्पेशल बुक है क्लास 12th के छात्रों के लिए, जिसका हम प्राइस ले रहे हैं। अगर आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, नोट्स चाहिए तो वेबसाइट पर जाओ, सब कुछ फ्री में अवेलेबल, पूरा का पूरा कंटेंट A to Z फ्री में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। कहीं भी आपको 1000-2000 रुपये इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुपर बुक के लिए प्लीज़ आपको 300 रुपये देना ही पड़ेगा, तभी ये मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।